नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिससे देश की आम जनता को सीधा लाभ मिला है। वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी में ही उलझी हुई है, यही कारण है कि प्रदेश में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले हमें भी लगता था भारी पड़ेगी, लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीट हुआ है, सारा विपक्ष एकजुट हुआ, सपा बसपा लोकदल का गठबंधन था और कांग्रेस ने भी बहुत जगह समर्थन किया, जैसे मेरी खुद की सीट पर कांग्रेस भी समर्थन किया और हम चिंतित भी थे, लेकिन अंत में 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और रिकॉर्ड 51% मत हमने प्राप्त किए। आप राजस्थान की बात करो, जो विपक्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, तो संगठित होने से दो राजनीति में कभी दो दुनी चार नहीं होते, राजनीति में दो दुनी जीरो भी हो जाते हैं। तो जब विपक्ष इकट्ठा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वोट बैंक इकट्ठा हो। पहली बात तो ये कहूंगा कि राजस्थान में पूरी पार्टी बहुत पुरानी है कि दोबारा मौका आप लोग किसी को देते नहीं। दूसरी बात, 4.5 साल पायलट गहलोत की लड़ाई में बीत गए और कोई काम नहीं हुआ। 6 महीने पहले जनता के हित में कि भाई आयुष्मान योजना की जगह अपनी योजना लेकर आना, बिजली का फ्री, एक लॉलीपॉप बांटने शुरू किया आखिरी 6 महीने। ये 6 महीने की सरकार है, अगर ये काम करने थे तो 5 साल पहले करते, जब हमें पता लगता कहाँ जनता के लिए कुछ बेहतर किया है, क्योंकि कहीं से तो रिवेन्यू आएगा इन काम करने का, वो तो करके भाग जाएंगे। जैसे पेंशन की बात थी, उन्होंने की सरकारी अधिकारी कर्मचारी को पेंशन दूंगा, उन्हें अच्छी तरह पता था कि 2030 तक कोई रिटायर नहीं होगा, तो जो भी लोड पड़ेगा 2030 की सरकार पर पड़ेगा। तो ऐसी घोषणाएं करते हैं हमेशा वो, कि जो पूरी नहीं करने की कोई इच्छा नहीं होती ना होती, जनता इन बातों को समझ चुकी है और जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। देखिए, प्रदेश और केंद्र में सरकार एक पार्टी हो तो कोऑर्डिनेशन से बेहतर काम हो पाते हैं। अब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के पैसे दिए, उनमें से कमीशन खोरी करके भ्रष्टाचार कर दिया प्रदेश सरकार ने, तो दोनों सरकारें एक विचारधारा की हो तो काम बेहतर हो पाता है।